Love, touch, love.
है पट है करता था जो मर्जी खुदाबंदी थी और मेरा ईमान मोहम्मद की जागता था, मैं मोहम्मद को सुला देता था और उनके बिस्तर पर मैं बेटो को लिटा देता था, राह में काटा जो आता तो हटा देता था, मैं तहे दिल से मोहम्मद को दुआ देता था, मैं तहे दिल से मोहम्मद को दुआ देता था। इस बोलते कुरान की जियारत करना और मेरा मामूल था इस तरह लगाया है निशाना मुझ पर, अरे मैं वो मोमिन हूँ कि है कुफ्र का फतवा मुझ पर, मैं वो मोमिन हूँ कि है कुफ्र का फतवा मुझ पर, क्या नमाज है मैं जमाने को दिखाता, क्या नमाज है मैं जमाने को दिखा कर पढ़ता, अरे अपना घर छोड़ के बुध खाने में जाता, कलमा पढ़ना था तो एक एक को सुना कर पढ़ता, अरे आपके घर से मैं कुरान मंगा कर पढ़ता, और मैं जो पढ़ता था वो कुरान मेरे घर में था, और जिस पर लाया था मैं साथ देता ना नबी का तो मैं मोमिन होता और बाप पैगंबर की कफालत है, अब्द पढ़ाने की जसारत की है, इसमें मेरी नहीं तौहीन शरीयत की है, और लम्हे फिक्र है
ये सारे जमाने के लिए कोई मोमिन न मिला। खुदाओं की हिमायत लेकर लातो मनात की दिलो जा से मोहब्बत लेकर और मेरे दरवाजे पाई निकारे नबूवत लेकर और मेरे पास आने की तुम सबको जरूरत क्या थी भाई मैं तो काफिर था भला मुझसे शिकायत क्या थी मैं तो काफिर था भला शिकायत क्या थी किसी साहेब ईमा से शिकायत करते या किसी हाफिज कुरान से शिकायत करते ला इलाहा के निगहबान से शिकायत करते भाई मैं तो काफिर था मुसलमान से शिकायत मुद्दा ये था हिमायत ना करूं कुरान की आजमाइश थी सरासर ये मेरे ईमान की आजमाइश थी सरासर ये मेरे ईमान की मोहम्मद को सताया था मुझे भूल गए कत्ल करने का इरादा था वो दिल भूल गए उस पर कुफ्र का साया था वो दिन भूल गए और जब मोहम्मद तनो तनहा था वो दिन भूल गए अरे दीन इस्लाम का उन्वान बने बैठे हो और मेरे सजदे اللهم صل على محمد.
बात आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात तो अल्लाह के हुजूर पर जितनी दलीलें आपने सुनी होंगी और जितनी पेश करते हैं हर मकतबे फिक्र में हर मजहब में भी ऐसा नहीं कि इस्लामी फिक्र मुबैया कोई ये काम कर रहे हैं, बल्कि हर मजहब में हर फिल्म में आपको मिल जाएगा कि अल्लाह के हुजूर के साथ तमाम तरह की बातें की जाती हैं। उनमें से एक मैं जो सिर्फ मकतबे अहले बैत के यहाँ जो आपको आप सबसे ज़्यादा कसरत से हुजूर खुदा पर बात मिलती है वो हुजूर खुदा की एक लौकी दलील कुरान मजीद। कुरान मजीद में जो इस्तेदलाल किए अल्लाह ने अपने हुजूर के सिलसिले से उससे हट के कुरान खुद अगर उसको तहरीरी तौर पर देखा जाए तो हुजूर खुदा की बड़ी मुमकिन होगी। आपके सामने कुछ बातें पेश करता हूँ। आमतौर पर आप गौर करें दुनिया में जो तरीका है वो ये है कि हम जो काम भी करते हैं कोई आदमी अगर शायरी शुरू करे तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो शेर कहता है शुरू में कमज़ोर कहता है उसके बाद उससे बेहतर फिर उसके बाद उससे बेहतर जैसे जैसे मश्क सुखन बढ़ती जाती है कलाम में मुस्तगी पैदा होती है। अगर कोई तस्वीर के मैदान में है तो अगर उसने एक मजमून लिखा आइंदा उससे बेहतर लिखता है आइंदा उससे बेहतर, यानी जिस लाइन में भी है जिस फील्ड में भी है जिस काम को वो शुरू करता है करता रहता है अगर कार का कसरत हर काम कहा जाता है तो वो उसमें गुफ्तगी हासिल कर लेता है। ये इंसान का मिजाज है। हर चीज़ में मिसालें मैं चाहूँ कि चार पांच और दे सकता हूँ लेकिन आप बात समझ लें तो आप देखेंगे कि जिस काम में भी जो इंसान हाथ लगाता है धीरे धीरे मश्क सुकन के अतबार से वो काम बढ़ता जाता है और उसमें वो धीरे धीरे उस चीज़ को हासिल कर लेता है जिसे कमाल कहा जाता है। आप गौर करें अगर इंसान का मिजाज ये है तो अगर एतराज़ हो कि कलाम खुदा जिसे हम कुरान कहते हैं अगर मान लीजिए तो इंसानी कलाम है तो उसमें भी ये नक पाया जाना चाहिए उसमें भी ये हमारा मिजाज नज़र आना चाहिए। यानी जो आयतें शुरू में नाजिल हुई जिन्हें मक्की आयतें कहा जाता है वो मदनी के मुकाबले में कमज़ोर होनी चाहिए बलागत के अतबार। जैसे आपके सामने मैं क्या मिसाल पेश करूँ मीर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मरतिया निगार जिन्हें खुदाए सुखन भी कहा जाता है लेकिन जो उनके पहले शेर की बात होती है तो वही शेर कहा जाता है कि मीर अली का पहला शेर है कि अफसोस कि दुनिया से पर्दा कर गई बल्कि आँखें तो खुली रह गई परमा दे गई। ये शेर मीर अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला शेर लेकिन अब आप वही मीर अली से कि जो आगे जो मंजर शाहकार अनीस कहा जाता है कि जब फतह की मसाफत शब आता है तो आप गौर करें कि कहाँ से कहाँ तक का सफ़र उन्होंने कर लिया। हर शायर के बारे में हर अकीब के बारे में यही उसूल लागू है। एक सलवार उसका जो बगैर यकीन खुदा के वो ही मिल सकता
जी को अल्लाह पर यकीन हो तो ना हो तो वो इंतराब के साथ नहीं हो। हमारे यहाँ दुनिया में अखलाक और तमीज़ और तहजीब सिखाने के इंस्टीट्यूशन खोले जाते हैं। लोग सिखाए आपके इंस्टीट्यूशन में आप जाइए तो आपको उठना सिखाया जाएगा, बैठना सिखाया जाएगा, चलना सिखाया जाएगा, बोलना सिखाया जाएगा, कपड़े पहनना सिखाया जाएगा, बात करना सिखाया जाएगा, लोगों से हाथ मिलाना सिखाया जाएगा, तमाम चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। आप सीखने के बाद मसनूई तौर पर तो बाखलाक हो सकते हैं लेकिन जो फितरी बाखलाकी होती है वो आप नहीं आती। जैसे मैं मुतालब करता रहता हूँ एक मसनूई खुश अखलाकी वो होती है जब आप मोबाइल फ़ोन कंपनी को फ़ोन मिलाते हैं और कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव आपसे बात करते हैं। आप कैसी भी वाहियात बात क्यों न करें लेकिन वो बेचारा आपसे जी जनाब में ही जवाब देता है। ऐसा नहीं वो नहीं समझ रहा कि आप उसका मजाक कर रहे हैं, वो समझ रहा है लेकिन क्योंकि उसको सिखाया ही नहीं गया कि आपको इसी तरह बात करनी है, ले जाता हूँ आपसे वैसे बात कर रहा है, आप उसको उसकी कुछ अखलाकी ना करें उसकी ड्यूटी तो इसी तरह बात करें। अब इसी के बरक्स अगर एक पुलिस ऑफिसर है वो कहीं कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की तरह बात करने लगे तो क्या होता है, उसका तरीका अपना उसे वैसे बात करना सिखाया जाए। तो ये सब मसनूई बाखलाक लोग हैं जो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। फितरी तौर पर बाखलाक जो दाखिल हैं इन्हें पैगम्बर के नमूने में करा, खुद पैगम्बर का किरदार किसी लिए इरशाद हुआ इतना का लाला खुद के नजरी आपके अखलाक के क्या कहने तो अजीम को इन मानों में बड़ा कहना है कि कुरान की इस्तेला, वरना इससे पहले अरब में अजीम के माने दौलतमंद के ही हुआ करते थे, बहुत दौलत, वरना पैगंबर से पहले यही दस्तूर थे तो पैगंबर के बाद ये हुआ कि अजीम अखलाक में भी होता है, किरदार में भी होता है। ये सारी चीज़ें सलवात मुहम्मद बदलने से भी इंसान का मिजाज तब्दील हो जाता। तो आजकल बहुत कुछ है, कोई बहुत अच्छे से मिला आपने कहा आज बहुत कुछ है बहुत अच्छे से, आप देखिए इस सिलसिले में क्या करता है वही बेहतर है जिस हाल में अल्लाह में रखते।
अगर वो खुशहाली दे दे तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं, अगर वो परेशानी दे दे तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं, अगर बीमारी दे दे तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं, अगर सेहत दे दे तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं। तलवार और जो परेशान है तो वो बेचारा मातूम है, उस पर कोई अज़ाब ना हो। इस सिलसिले में आप गौर करें कि अल्लाह ने सबको उसके अपने अलग अलग रोल दिए। मैंने इससे पहले भी क्या गुजरता था मंदिर पर किया था, क्या आप देखते रहते हैं जो रंगमंच होता है, थिएटर होता है जिसमें लोग ड्रामा करते हैं, उसमें इधर पर्दा उठा और ड्रामा शुरू हो गया। उसमें एक बादशाह है जिसके सर पर दस्तार, एक फकीर है जिसके पहलू में कासा है जिसको वो मांगता है, एक सिपाही के रोल में है उसकी तलवार लगी हुई, एक आम आदमी है वो आम कपड़ों में, बादशाह के सर पर दस्तार, वजीर के पहलू में तलवार, फकीर के पहलू में कासा, ये एक ड्रामा चल रहा है। और जैसे ही ड्रामा खत्म हुआ, पर्दा गिरा, अब न बादशाह के सर पर दस्तार है, न वजीर के पहलू में तलवार है, न उसके पास कासा है, खत्म, ड्रामा खत्म हो गया। आप सब एक ड्रेस में नजर आ रहे हैं, सब एक मर्जी में नजर आ रहे हैं। दुनिया भी एक रंगमंच की तरह ही कही गई है, यहाँ भी हम आप सब अपने अपने रोल में। जब अल्लाह के यहाँ हिसाब होगा तो ये ना होगा कि आप बादशाह के रोल कर रहे थे, आप ज़्यादा अच्छे इनाम के मुस्तहक, आप फकीर के रोल में थे, आपको कमजोर इनाम दिया जाएगा, बल्कि इनाम इस बुनियाद पर तकसीम किए जाएंगे कि आपने अपना रोल किस तरह अदा किया। कर्बला में शब आशूर जब आपने शराब गुल की, आप वाकया सुनते रहते हैं, आपने शराब गुल की, बस इस मौके पर जो रिवायतें बयान की जाती हैं और जो लिखा गया है वो यही है कि इमाम ने इधर शराब गुल की, उधर वफाओं के शराब लगने लगा। और जैसे ही अंधेरा, उस मौके पर लावन नई पाबंदी का एक शेर याद आता है, जिसको फरमाते हैं कि हुसैन इबन अली ने फितरतें बदली हुई शब्द, हुसैन इब्न अली ने फितरतें बदली हैं शब भर में, बुझी है शम्मा पर महफिल से परवाने निशान है। उस वक्त की तकरीरें आपके पेशे नजर आएंगे, तो बयान फरमाते हैं क्या का मरतबा क्या, अगर हजार मरतबा आपकी नुसरत में खर्च किया जाऊँ, उसके बाद रात को जला दिया जाए, फिर उड़ा दिया जाए, और अगर उसके बाद भी नहीं कर सब बिल्कुल आम बातें कसरत से हम लोग सुनते हैं, लेकिन आप ये सोचें कि एक सहाबी की पुराना नहीं है, अभी थोड़ी देर की मुलाकात, लेकिन इमाम हुसैन के किरदार से इतना मुतासिर है कि थोड़ी देर में बयान दे रहा है कि अगर 1000 मरतबा भी कत्ल किया जाए तो नवासे रसूल आपकी नजरत से पीछे नहीं होगा। ये बाहरी लोगों की तकदीरें हैं, बस अब शहादत का ऐसा जोश तारी हुआ सब
उसके बाद 13 बरस का एक अपनी बच्चा इमाम यतीम भी भतीजा भी और बच्चा इमाम से कहता है बाबा जान है मुझान ये बताएं क्या मेरा नाम नजर शहादत में है। इमाम ने आज मकाम में फरमाया कासिम तुम्हारा नाम नहीं है तुम्हारे छोटे भाई हो गए। बस ये सुनना था नजर कासिम बेचैन हो गए और एक सवाल करते हैं कि बाबा ए मुझान क्या अशकिया क्याम में जाते यानी कासिम अकीत तस्वुर नहीं कर पा रहे हैं देखेंगे बच्चा है जो इस मौके पर सरकार कासिम की इजाज़त के सिलसिले से बातें कही वो आपके सामने पेश करता हूँ। कहते हैं कि हजरत कासिम इजाज़त के लिए आए इमाम हुसैन से इजाज़त तलब इमाम हुसैन इजाज़त नहीं दे रहे। अब सरकार सैदुलमा फरमाते हैं कि बिल्कुल कासिम उसी तरह जिद करने लगे जैसे कोई कमसिन बच्चा किसी मीठी चीज़ के लिए जिद करें। कभी चचा के पैरों पर गिर जाते हैं कभी आंखों को हाथों पर मल रहे हैं क्योंकि कह चुके हैं कि मेरी नज़र में मौत शहद से ज़्यादा शीरी है। लिहाजा उसी तरह का अंदाज है कि मौत को किस तरह हासिल कर लिया जाए। इमाम हुसैन ने किस तरह रुख्सत किया ये तो चचा है रुख्सत करना बड़ी बात नहीं है। एक यतीम बच्चा मरने की इजाज़त चाव से मांगे करबला से पहले हमने नहीं देखा था और वो बच्चा अभी तो कमसिन है माँ के लिए क्या है और वो भी बेवा माँ है वो खुद खेमे के दर से खड़ी कह रही कि इसे इजाज़त दी जाए करबला की माँ है। अब हजरत कासिम ये 13 बरस का खूबसूरत नौजवान जिसके बारे में दुश्मन रिवायत करता है इस बात को भी सरकार सैदुलमा यूँ फरमाते हैं कि जैसे ही कासिम दुश्मनों के होल को छीनता हुआ निकला दुश्मन के सिपाही ने लिखा कि कासिम जब फौज के बादलों से निकला तो ऐसा लगा कि जैसे बदली से चांद निकला। अब ये बात गौर करने की है कि दुश्मन की नज़र में जो बच्चा चांद सा खूबसूरत हो वो बेवा माँ की नज़र में कितना खूबसूरत था। वो बच्चा आया जंग की और किस तरह जंग कर रहा है जोश शजात में और किस तरह उसे कत्ल कर दिया गया। अब एक आवाज़ सुनी कि हजरत कासिम ने आवाज़ दी ए चचा भतीजे की मदद के लिए। इमाम हुसैन को इस सजा पर बहुत न पाने का इतना कलम था कि आपने आखिरे वक्त के इरशाद फरमाया है कि कासिम मुझे पुकारता रहा मैं पहुँच गया। एक यतीम भतीजा आवाज़ दे रहा है मेरा आखिरी वक्त है। अब बस इसी असना में इमाम हुसैन झपटते हैं दुश्मन को लगा हमला कर दिया इमाम हुसैन इसी इन्हीं भक्कड़ के हालात में कासिम का बदन घोड़ों के नीचे आ गया। अब आप गौर करें कासिम का लाशा आ रहा है। इमाम हुसैन की रिवायतें मिलती हैं कि आप एक रिवायत यूँ मिले कि गठरी में ले गया एक रिवायत यूँ मिलती है कि कासिम का कद इतना बड़ा हो गया था घोड़ों की पामाली की वजह से कि आप तो उनको पीठ पर ईमान ला रहे थे ज़मीन पर पैर कट मार रहे थे। इमाम हुसैन खेमे में लाए आपने जरे खेमा पर रखा कासिम के जनाजे में हजरत जैनब के लिए एक आलम से तमाम अहले अरब क्रिया कर रहे हैं। इमाम हुसैन ने देखा कि परवा नजर हो गया परवा नजर हो गया कि आपने हजरत जैनब से कहा कि नजर हो गया कहा हजरत जैनब ने देखा कि परवा के खेमे में वहाँ भी नहीं है दूसरे खेमे में देखा वहाँ भी नहीं है। एक मरतबा खेमे के पीछे से आहट थी उधर जाती है हजरत जैनब और देखती है कि हजरत परवा सजदे में सज जन्नतुल मक़ूम पर होते उनमें परवा जैसे कासिम का गुस्सा कब रहता है मुस्तफा